हेलो फ्रेंड्स, द किलविन पांडे शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एमएक्स प्लेयर पे हाई नाम की एक वेब सीरीज का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हुआ है। इसका डायरेक्शन निखिल राव ने किया है और इसमें हम अक्षय ओबराय और श्वेता बासु प्रसाद जैसे कलाकार को देख पाएंगे। दोस्तों, नाम सुन के और कुछ कुछ जो पहले पोस्टर रिलीज हुआ था वो कुछ लग रहा है रिलेटेड टू ड्रग्स है, ड्रग माफिया से रिलेटेड है और ये हॉट टॉपिक है दोस्तों। अभी करंट में भी बॉलीवुड में वही चल रहा है, ड्रग कार्टेल को पकड़ा जाने का दिख रहा है, क्या माफिया है, कितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ड्रग का सेवन करते हैं, मंगाते हैं, कैसे मंगाते हैं, बहुत कुछ रिवील हो रहा है। इसमें एनसीबी सीबीआई सब लगी पड़ी है, बहुत कुछ राज खुलते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा हॉट टॉपिक को एमएक्स प्लेयर ने पकड़ा है और उससे रिलेटेड एक वेब सीरीज बना डाली है और उसको रिलीज कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं, ये हाई जो वेब सीरीज है ये 7 अक्टूबर को एमएक्स प्लेयर में आप उसको देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये ट्रेलर देखते हैं और उस पर अपना रिएक्शन देते हैं। आइए। There's a new green pill that's hit the streets. पूरे धंधे का बैंड बजा दिया है। Suppliers, peddlers, big fish, small fish, मेरी जिंदगी रह चुकी है। Oh my God, Shiv, somebody call an ambulance. It's an extract of a native plant, and it is mind fucking blowing. I've done fucking all drugs, but this is something else. अबे तेरा माल तो जबरदस्त निकला यार। 5 crore, and there's a lot more coming. मादर चोद बॉम्बे का टॉप का माल है और तू बोल रहा है मेरे को माल नहीं बिक। वो सही क्या? There's a new green pill that's hit the streets. They're calling it magic. पता करो कौन बना रहा है इसे? मैजिक कहाँ से आता है? तेरी माँ की चूस से लेके आता है मादर चोद। कोई ऐसे ड्रग्स क्यों बेचेगा जो ड्रग्स की डिपेंडेंसी को ही किल कर दे? दिस इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरी यार। 20-50 ग्राम की बात नहीं हो रही, किलो के हिसाब से माल उतार रहे हैं, पूरे धंधे का बैंड बजा दिया है। सुना है मैजिक का सबसे बड़ा सप्लायर वही है। लोग तो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं? लोग ड्रग्स बेच रहे हैं बॉल बेयरिंग नहीं, ऑफ कोर्स इट्स गोना बी फकिंग डेंजरस। मैजिक बेचने वालों को एक एक करके मारे, देखो ब्लॉन्ड मेरे खेल ऐसे रहा इतना हो। मैजिक के बारे में सुना है? मैजिक का सप्लायर कौन है? अबे मुंह में लेना मादर चोद। This has gone too far. Yeah, it's gone too far. This has to stop right now. Laka, find them and kill them. चलो अंकल, पार्टी खत्म। तो देखा आपने दोस्तों, ट्रेलर वाकई लाइक अच्छी ही लगी मुझे तो। पूरा उसी से रिलेटेड है, ड्रग से रिलेटेड, और ऐसा लग रहा है कि कोई कैरेक्टर है वो ड्रगी है ऐसा लग रहा है। और वो कुछ ऐसा फिर आदमी लोग से वो मिलता है जो कुछ नया टाइप का ड्रग बना रहे हैं, या शायद उसका नाम मैजिक है ऐसा लग रहा है। और वो सबके नज़र में आ चुकी है शायद, अब वो ड्रग माफिया के नज़र पे, पुलिस के नज़र पे, और सब कोई अब खोज रहे हैं क्या है ये और कौन बना रहे हैं, कैसे पकड़ना है। तो काफ़ी सीन सब थे जो मैंने काफ़ी बोल्डली डायरेक्ट किया गया है। और इवन आप लैंग्वेज भी देखिए, बहुत सारा फाउल लैंग्वेज यूज़ हुआ है, मीन्स गालियाँ भर भर के इसमें है। और इवन जो यूज़ ऑफ गन वन का जो दिखा रहे हैं ड्रग, वो काफ़ी लाइक आसानी से यूज़ हुआ है इसमें ऐसा लग रहा है। और हो सकता है हमें कुछ अंदर की जानकारी भी मिली दोस्तों कि एक्चुअली रियल वर्ल्ड में ये ड्रग सप्लाई या माफिया कैसे काम करती है। हो सकता है ये जो वेब सीरीज है हमको कुछ उस पर अपना इंसाइट दे। तो देख के तो अच्छा लगा दोस्तों, लाइक ये फिर से वो जो थ्रिलर जैसा ही है, जो आदमी है आप देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा देख के लगा कि कोई भी एक तरह से वाइट कैरेक्टर नहीं है, इन द सेंस सबका कुछ ग्रे कैरेक्टर्स है या तो ब्लैक ही है। मीन्स सब का कुछ ना कुछ पास्ट है, कुछ ना कुछ मीन्स गंदा काम से ही इन्वॉल्व है।
ऐसा लग रहा है। इवन कुछ कुछ सीन जो रणवीर सॉरी का था बहुत अच्छा लगा मुझे, वो जो शूट करने का, और जो एक दो सीन में जो कुछ कैरेक्टर्स गाली दे रहे हैं और फिर उनको जो मारा जा रहा है, बहुत ही अच्छा लगा देख के। तो होपफुली अच्छा होना चाहिए दोस्तों। तो ये वेब सीरीज दोस्तों एमएक्स प्लेयर में 7 अक्टूबर को रिलीज होगी, तो देखेंगे और इस पर अपना रिव्यू देंगे। मुझे काफ़ी अच्छे लगे दोस्तों, आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेलर या वेब सीरीज 18+ ऑडियंस के लिए है, उससे नीचे वाले प्लीज ना देखें उसको। फैमिली डिस्क्रिप्शन है इसमें, तो फैमिली भी अगर अवॉइड कर सकती है तो जरूर अवॉइड करें। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।